Friends, we all know that there are three basic needs of human beings. They are food, clothing and shelter. हमारी तीन प्राथमिक जरूरतें हैं, रोटी, कपड़ा और मकान. In this video, we shall discuss about the different types of shelters. पहला है हट, झोपड़ा, स्मॉल सिंपल सिंगल स्टोरेज हाउस और शेल्टर, एक छोटा सादा सा आश्रय. हट इज ए शेप ऑफ ए लोअर क्वालिटी देन ए हाउस. ये निम्न औसत का घर होता है. फिर आता है स्लम. ये झोपड़े का विस्तारित रूप है. स्क्वेलिड एंड ओवरक्राउडेड अर्बन स्ट्रीट और डिस्ट्रिक्ट इनहेबिटेड बाय वेरी पुअर पीपल. बहुत सारे झोपड़ों को मिलाकर झोपड़पट्टी बनती है जहां पे गरीब लोगों का निवास होता है. इसे हम झोपड़पट्टी भी कहते हैं. चौल, ए लार्ज बिल्डिंग डिवाइडेड इनटू मेनी सेपरेट टेनमेंट्स ऑफरिंग चीप बेसिक अकोमोडेशन टू लेबर्स. चाल, ये निम्न मध्य वर्ग के लिए होते हैं. जो मजदूर वर्ग के लोग होते हैं उनके लिए ये घर होते हैं. एक बड़ी सी बिल्डिंग होती है, उसको अलग अलग भागों में बांटकर लोगों में बांट दिया जाता है. इसे हम चौल सिस्टम कहते हैं. स्काई स्क्रेपर्स, स्काई स्क्रेपर्स इज ए टॉल कंटिन्यूसली हैबिटेबल बिल्डिंग हैविंग मल्टीपल फ्लोर्स. जिस बिल्डिंग में बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं ऐसी बिल्डिंगों को हम गगनचुंबी इमारत कहते हैं. तो स्काई स्क्रेपर्स गगनचुंबी इमारतों को कहा जाता है. बंगलो, ए लो हाउस हैविंग ओनली वन स्टोरे और इन सम केस अपर रूम सेट इन द रूफ, टिपिकली विद डॉर्मर विंडोज. इन साउथ ईस्ट एशिया, ए लार्ज डिटैच हाउस विथ मोर देन वन स्टोरी. बंगला, ये एक अलग घर होता है. हर एक का अपना घर होता है जिसमें नीचे ही बना होता है. कहीं कहीं पे इसमें एक माले भी होते हैं. इसकी खिड़कियों में ऊपर से एक ढलान होती है जिसे हम डॉर्मर विंडो कहते हैं. बंगलो मीन्स बंगला. मेंशन, ए लार्ज इंप्रेसिव हाउस, एक बड़ा और भव्य घर जिसे हम मेंशन कहते हैं, अमीरों का घर. विला, ए लार्ज एंड लग्जरियस कंट्री हाउस इन इट्स ओन ग्राउंड कंसिस्टिंग ऑफ फार्म एंड रेसिडेंशियल बिल्डिंग अरेंज अराउंड द कोर्टयार्ड. विला मेंशन से भी बड़ा होता है. इसका अड़ोस पड़ोस का परिसर भी इसका खुद का होता है. ये खुद की जमीन पर खड़ा होता है. इसे हम विला कहते हैं. टावर, ए टॉल नैरो बिल्डिंग आइदर फ्री स्टैंडिंग और फॉर्मिंग ए पार्ट ऑफ बिल्डिंग. एक ऊंची सी इमारत, उसे हम टावर कहते हैं. जैसे राजाबाई टावर, आईफिल टावर, लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा, ये सब टावर हैं. लाइट हाउस, ए टावर और अदर स्ट्रक्चर कंटेनिंग ए बीकॉन लाइट टू वार्न और गाइड शिप एट सी. लाइट हाउस अक्सर समुद्र किनारे बने होते हैं. ये जलपोतों को गाइड करने के लिए होते हैं, उन्हें मार्गदर्शित करने के लिए होते हैं. तो इसे हम लाइट हाउस कहते हैं. ऊपर एक लाइट जलती होती है जिसे देखकर जलपोत अपनी दिशा तय करते हैं. मॉन्यूमेंट्स, ए बिल्डिंग स्ट्रक्चर और साइट दैट इज ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस और इंटरेस्ट. स्मारक, जिनका ऐतिहासिक महत्व होता है. लाइब्रेरी, ए बिल्डिंग और रूम कंटेनिंग कलेक्शन ऑफ बुक्स, पीरियडिकल्स
and sometimes films and recorded music for use or borrowing by the public or the member of an institution. ग्रंथालय एक इमारत या कमरा जहाँ पे किताबें, मैगजीन्स, फिल्म से रिलेटेड रिकॉर्डेड म्यूजिक्स, फिल्मों के कैसेट वगैरह रखे जाते हैं। हम कुछ समय के लिए उन्हें किराए पे लाके पढ़ते हैं या देखते हैं और फिर लौटा देते हैं। ऐसी जगह को लाइब्रेरी कहते हैं। हॉस्पिटल्स एन इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग मेडिकल एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट एंड नर्सिंग केयर फॉर सिक और इंजर्ड पीपल, जहाँ पे बीमार और जख्मी लोगों की देखभाल होती है और उनका उपचार किया जाता है, ऐसी जगह को हम हॉस्पिटल कहते हैं। सुपरमार्केट ए लार्ज सेल्फ सर्विस शॉप सेलिंग फूड एंड हाउसहोल्ड गुड, एक बड़ी सी दुकान जहाँ पे हमें खुद अपनी चीजें चुननी होती है, इसे हम सुपरमार्केट कहते हैं। शोरूम ए रूम यूज टू डिस्प्ले गुड्स फॉर सेल्स सच एज अप्लायंसेस कार और फर्नीचर, जहाँ पे चीजों की प्रदर्शनी लगी होती है या उन्हें दिखावे के लिए रखा जाता है, ऐसी जगह को हम शोरूम कहते हैं। जैसे कार के शोरूम होते हैं, फर्नीचर के शोरूम होते हैं। वैनिटी वैन इट इज ए वैन विथ ऑल टाइप्स ऑफ होम फैसिलिटीज विच कैन बी टेकन एट द वर्क प्लेस, एक बड़ी सी गाड़ी होती है जिसके अंदर सारी घरेलू सुविधाएं, रेस्ट रूम से लेकर टॉयलेट बाथरूम सभी उपलब्ध होते हैं। अक्सर जहां पे शूटिंग होती है वहां पे आपको वैनिटी वैन दिखाई देगी। हीरो हीरोइन डायरेक्टर इनकी अपनी अपनी वैनिटी वैन होती है। शूटिंग के मध्य में ये आकर वहां पर रेस्ट करते हैं या रिफ्रेश होते हैं। लेबोरेटरी ए रूम और बिल्डिंग इक्विप्ड फॉर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स रिसर्च और टीचिंग और फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स एंड केमिकल्स, एक रूम या बिल्डिंग जहाँ पे वैज्ञानिक शोध होते हैं, एक्सपेरिमेंट होते हैं, वैज्ञानिक पढ़ाइयाँ होती है, जहाँ पे केमिकल ड्रग्स या दवाइयाँ बनती है, उसे हम लेबोरेटरी कहते हैं। टेम्पल ए बिल्डिंग डिवोटेड टू द वर्शिप ऑफ हिंदू गॉड एंड गॉडेस, मंदिर जहाँ पे हिंदू जाकर पूजा पाठ करते हैं, उसे हम मंदिर कहते हैं। चर्च ए बिल्डिंग यूज फॉर पब्लिक क्रिश्चियन वर्शिप, जहाँ पे क्रिश्चियन जाके पूजा पाठ करते हैं, उस जगह को चर्च कहा जाता है या गिरजाघर कहा जाता है। मॉस्क ए मुस्लिम प्लेस ऑफ वर्शिप, जहाँ मुस्लिम जाके पूजा करते हैं, उस जगह को मॉस्क यानी कि मस्जिद कहा जाता है। सिनेगॉग ए बिल्डिंग इन विच ज्यूज मीट फॉर रिलीजियस वर्शिप और इंस्ट्रक्शन, जहाँ पे ज्यूज लोग पूजा पाठ करते हैं, उसे हम सिनेगॉग कहते हैं। गुरुद्वारा ए रिलीजियस प्लेस ऑफ सिख्स कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी का जो धार्मिक स्थान है उसे गुरुद्वारा कहा जाता है। फोर्ट ए फोर्टिफाइड बिल्डिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, एक मजबूत इमारत होती है जिसका सामरिक दृष्टि से महत्व होता है, उसे हम फोर्ट यानी कि किला कहते हैं। पुलिस स्टेशन द ऑफिस और हेडक्वार्टर ऑफ ए लोकल पुलिस फोर्स, जो पुलिस का हेडक्वार्टर होता है या उनकी चौकी होती है, उसे हम पुलिस स्टेशन कहते हैं। स्टूडियो ए रूम वेयर एन आर्टिस्ट फोटोग्राफर स्कल्प्टर एक्सेट्रा वर्क इज नोन एज ए स्टूडियो, एक कमरा जहाँ पे एक आर्टिस्ट फोटोग्राफर या मूर्तिकार काम करता है, उसे हम स्टूडियो कहते हैं। फैक्ट्रीज ए बिल्डिंग और ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स वेयर गुड्स आर मैन्युफैक्चर और असेंबल्ड चीफली बाय मशीन, कारखाना जहाँ पे
वस्तुओं का उत्पादन होता है उसे हम कारखाना कहते हैं। ऑफिस, ए रूम, सेट ऑफ रूम्स और बिल्डिंग यूज्ड एज ए प्लेस ऑफ बिजनेस फॉर नॉन मैनुअल वर्क, जहाँ पे कागजी कार्रवाई होती है, जहाँ पे पेपर वर्क होता है या फिर बिजनेस वर्क होता है, ऐसे जगह को हम ऑफिस कहते हैं। बैरक्स, ए लार्ज बिल्डिंग और ग्रुप ऑफ बिल्डिंग यूज्ड टू हाउस सोल्जर्स, जहाँ पे सैनिकों के रहने का स्थान होता है उसे हम बैरक्स कहते हैं, छावनी कहते हैं। फ्रेंड्स, इफ यू लाइक माय वीडियो सब्सक्राइब फॉर इट, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक इट एंड कमेंट ऑन इट। Wait for every Saturday for my new videos. For more details, visit my YouTube channel Ikta Skills and improve your English knowledge. Thank you. Keep learning. Have a nice day.